हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स। हो तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं कि क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है उसके फैक्टर कर लेना है। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 8, क्या क्या भाई फैक्टर हो सकते हैं इसके, 8 के फैक्टर हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 8 और 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 2। नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 4 कर रहे हो, 4 मल्टीप्लाई 2 कर लो, बात बराबर रहती है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यानी 8 के मल्टीपल ये हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 8, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 8 आएगी। इसी तरह मैं माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 8 आएगी। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि प्लस माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 8 आर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8। ज़्यादा होंगे तो आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे एटसेट्रा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉलीनोमियल को क्या कर लेते हैं, px मान लेते हैं। ठीक है, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम फैक्टर थ्योरम से करने वाले हैं। तो फैक्टर थ्योरम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा कि जो हमारे 8 के फैक्टर हैं, हम उसमें से एक एक करके इस पॉलीनोमियल में वैल्यू रखेंगे, और जो भी पॉलीनोमियल की वैल्यू जोन सी वैल्यू उसको जीरो कर देगी उसको हम फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए लेट एक्स इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस माइनस 1 ले लेते हैं। सबसे पहले माइनस 1 लिया तो क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 एंड माइनस 8। सो माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, माइनस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, एंड 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3। माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 6, एंड माइनस 8 है, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9, तो 9 में 9 का कितना होगा, 0 होगा। यानी कि माइनस 1 हमारे इस पॉलीनोमियल का फैक्ट, यानी कि माइनस 1 हमारे इस पॉलीनोमियल क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं देयर फोर एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एम राइट। ठीक है, अगर हमें बोलता है कि फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके करना है तो ये सारी चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी, अगर बोलता है सिर्फ फैक्टर करने हैं तो हम ये सारा काम रफ में करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो हमें पता है कि पी एक्स हमने मान रखा, तो हमने पी एक्स इक्वल टू ये मान रखा है, हमें पता है कि एक्स प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारा जो पॉलीनोम दिया हो इसको ब्रेक करना है। ठीक है, जिससे क्या है, पेयर बन जाए हमारे पास में। तो एक्स प्लस 1 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाए, यानी कि एक्स क्यू मिल जाए। तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स क्यू मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें 1 में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स में किया तो कितना हुआ, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का 1 में किया तो एक्स स्क्वायर। इसको सेम एज इट इज़ कॉपी किधर कर देंगे, इधर। ठीक है, अच्छा देखो ये सेम टर्म है, सेम पावर की है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म हमें जो लाना है x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करके, वो क्या लाना है, 2x स्क्वायर। तो x प्लस 1 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम 2x का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। अभी 2x का इधर भी करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो इसको एज इट इज़ कॉपी इधर करेंगे, क्योंकि 2x हमने पहले से लिख रखा है, इसलिए 2x को नहीं लिखेंगे, 2x को लिखेंगे, सिर्फ 2x को लिखा।
ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों सेम पावर के हैं, इसको माइनस कर लें, यानी माइनस सिक्स एक्स में से अगर टू एक्स को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यानी कि माइनस का एट एक्स, तो माइनस का एट एक्स हम किधर लिखेंगे, इधर। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमें कि एक्स प्लस वन में हम किस चीज़ किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस एट एक्स मिल जाए। तो अगर हम माइनस एट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस एट एक्स, माइनस एट का हम वन में भी करेंगे कितना होगा, इसको एज इट इज कॉपी ऊपर करेंगे क्योंकि हमने माइनस एट एक्स पहले लिख रखा है, तो एट एक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस एट। ठीक है, अभी देखेंगे हम, हमारे पास पैर बन गए, तीन पैर हैं, तो पैर में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो पहले पैर में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले पैर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, वन, है ना। सेकेंड पेयर में फर्स्ट टर्म का क्या लेंगे, हमने क्या बताया था, सेकेंड पेयर का फर्स्ट टर्म का हम साइन लेते हैं कॉमन, है ना, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, तो देखो दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो जब 2x स्क्वायर में 2x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, x, अब 2x में से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 1, है ना। लास्ट पेयर में से पहला साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 8 भी ले लिया, तो माइनस एट एक्स में से हमने माइनस एट कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 8। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस कॉमन लेते हो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एट हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वन। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या है, सभी में से एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, तो जो बाहर बचे उनको एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट। अभी इसमें लगा दो आप स्प्लिटिंग मिडिल द मेथड, ठीक है, तो माइनस एट के फैक्टर क्या होंगे, यानी माइनस एट मल्टीप्लाई इसका कोफिशेंट वन कितना होता है, माइनस एट होगा, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई टू, 1 मल्टीप्लाई एट, क्योंकि हमें 2x लाना है तो क्या हो सकता है, 4 माइनस टू, यानी 4 मल्टीप्लाई टू कितना होगा, माइनस एट, एंड वैल्यू कितनी होगी, 2, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, कि हमारे पास दो पैर बन गए, जब दो पैर बन गए तो कॉमन लेंगे हम, तो पहले पैर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स, फोर एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, फोर। सेकेंड पैर में से साइन कॉमन लेंगे, सबसे पहले क्या है, माइनस, पहले वाले का साइन लिया क्या हुआ, माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया, और क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, टू कॉमन आ रहा है, टू ले लिया, तो माइनस टू एक्स में से माइनस टू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स, माइनस एट में से माइनस टू कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा, प्लस का फोर। ठीक है, तो एक्स प्लस वन, इसमें से कॉमन क्या आ गया, एक्स प्लस फोर, अभी बाहर क्या बचा, एक्स माइनस टू। ठीक है, तो फैक्टर हो गए हमारे, फैक्टर थ्योरम से हम क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, और क्यूबिक पॉलीनोमियल उसके फैक्टर में हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में, और अगर आपको नहीं आया समय तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।